हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, यहां पर देखने वाले जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। ओके, वो व्यक्ति आप लोगों के लिए क्या करेंटली सोच रहे हैं और उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, आज की रीडिंग में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो ये जो पर्सन है आपके करेंट, हो सकता है आप करेंटली इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आप लोग मैरिड हो, या हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है। ओके, तो आप उस व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, दो ग्रुप्स है। आप देखिए कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उस पर्सन का नाम का पहला अक्षर किस वाले ग्रुप में है। ठीक है, तो आप लोग नाम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्रिस्टल वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ग्रुप वन के लिए है एमेथिस्ट। ओके, दिस इज द वॉन्ड, एमेथिस्ट वॉन्ड। और अगर आप लोगों को नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है तो ग्रुप वन में है ए सी डी ई के एस टी एन आर एफ जी एल एंड एक्स। ठीक है, फिर है ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू के लिए है ब्लैक ऑब्सीडियन। अगर आपको ये अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर है ऑप्शन नंबर टू के नेम इनिशियल्स बी एच आई जे एम ओ पी क्यू यू वी डब्ल्यू वाई एंड जेड। सबसे पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोच लें, उसके बाद अपने ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट करिए। ठीक है, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है या फिर नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग। आप जब सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है जहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहीं पर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिलती है जिसके थ्रू आप मुझसे पर्सनल लिंक्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को पर्सनल लिंक्स चाहिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने करियर रीडिंग के बारे में बोला है वो रीडिंग भी नेक्स्ट आएगी, और क्रश की फीलिंग्स के बारे में बोला है वो वाली भी रीडिंग आएगी। ठीक है ना, लाइकवाइज आप लोग अपनी, आपकी भी अगर कोई टॉपिक है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जाके। ठीक है, मैं डेफिनेटली दो दिन चार दिन या कुछ टाइम लगे बट उसे लेके जरूर आऊंगी। ओके, सो चलिए हम बिना देर के आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो, ऑप्शन नंबर वन, यहाँ पर है आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर लाइक नेम इनिशियल, और आप लोगों ने सेलेक्ट किया है दिस वॉन्ड, एमेथिस्ट वॉन्ड है ये। अभी हम देख रहे हैं कि जिस पर्सन को आपने अपने दिमाग में रख के इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वो व्यक्ति उनकी ट्रू फीलिंग्स और आप लोगों के लिए जो थॉट्स है वो क्या है। ठीक है, वो क्या सोचते हैं आप लोगों को लेके। ओके, द सर्पेंट कार्ड, नॉलेज एंड हीलिंग, नंबर 23 इज हियर व्हिच इज नंबर 5, एंड देन वी हैव वर्ल्ड। ठीक है, एंड 2 + 9 = 11, सो नंबर 11 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 5 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 23 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 29 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का। ठीक है, बट आपकी रीडिंग में है सो दीज नंबर्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, सर्पेंट एंड द वर्ल्ड। फर्स्टली मुझे दिख रहा है जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग पूछ रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे लेयर्स को अभी तक समझ चुके हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है ये पर्सन देखते हैं कि आप एक सिंपल पर्सनालिटी नहीं हो जिसे एक नज़र में देख के समझा जा सके। ठीक है, आपके अंदर, मतलब आपकी पर्सनालिटी के अंदर अगर उसको समझना है तो उसे बहुत सारे लेयर्स को पढ़ना होगा। ठीक है, मल्टी लेयर्ड आपकी पर्सनालिटी है ऐसा ये व्यक्ति सोचते हैं। ओके, यहाँ पर है सर्पेंट का कार्ड। सर्पेंट का कार्ड समवेयर मुझे बता रहा है लाइक आप इस पे जो मैसेज है वो है नॉलेज का, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत विजडम है। ठीक है, बट समवेयर मुझे आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट लग रही है, यानी कि इस पर्सन के नज़र में आप बहुत ज़्यादा
एक ऐसे पर्सन हो जो खुलता नहीं है, ठीक है, अपने बारे में सभी को बता नहीं देता एक बार में, ठीक है, उसे टाइम लगता है। एंड डेफिनेटली ये व्यक्ति धीरे धीरे करके आपको समझ रहे हैं, आपकी आपके अंदर जो भी बातें हैं, आपके अंदर जैसी आपकी फीलिंग्स है, आप जिस तरह के इंसान हो, वो सभी चीज़ें ये धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। बट अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति आपको बहुत ही नॉलेजेबल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का, इनको लगता है जैसे आप सामने से भले ही रूखे दिखते हो, भले ही थोड़े रूड नज़र आते हो, या फिर हो सकता है आप आसानी से किसी कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच ना कर सके, आप उस तरीके से नज़र आते हो, बट आपके साथ जब भी कोई पर्सन जुड़ता है या आपके साथ कोई भी पर्सन एक बार बात कर लेता है, तब उसे पता चलता है कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो हो सकता है आपके बारे में बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बट इस पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं जो रिलेशन बिल्ड किया है उसके बाद इनको पता चला है दैट आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, यानी कि आप बुरे इंसान नहीं हो, आप घमंडी इंसान नहीं हो, बट यस आप सिक्योरिटी हो, ठीक है। जो सर्पेंट का कार्ड है वो सिक्योरिटिव एनर्जीज को यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, क्योंकि सांप या सर्पेंट वो सबके सामने बाहर नहीं आता, वो हमेशा छुप के रहना पसंद करता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड द कार्ड ऑफ वर्ल्ड इज हियर, हो सकता है आप लोग इस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, ऑनलाइन आप लोग मिले हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड समवेयर यहाँ पे बता रहा है ये व्यक्ति हमेशा आपकी इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है, ये आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एंड द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है समवेयर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप भी रहो, या फिर ये आप जहाँ रहते हो ये पर्सन वहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी जो कार्ड की आई है वो समवेयर बता रही है ये पर्सन आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति दूसरे के पास आ जाए और आप लोगों के बीच की ये जो फिजिकल डिस्टेंस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे समवेयर दिख रही है। लेट मी सी मोर। जस्टिस का कार्ड नीचे गया। सो ये जस्टिस का कार्ड है, नंबर 11 है, बट मैं फिर से शफल करूंगी। आपकी रीडिंग में नंबर 11 दो बार आ चुका है, और हो सकता है आप लोगों में से कोई एक ऐसा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस ग्रुप में, जो या तो आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो, या तो फिर इस पर्सन का डिवोर्स सेपरेशन हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट मी सी मोर। समवन कैन बी लिब्रा। आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। सिक्स ऑफ सोड। ओ यस, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहता है कि आप इनके पास मूव करो, ठीक है, आप इनके पास अपनी इनके पास आ जाओ समवेयर, ठीक है। जो डिस्टेंस है अभी करेंटली आप लोगों के बीच में, वो डिस्टेंस खत्म हो जाए, ये वेट कर रहा है व्यक्ति उस चीज का। लेट मी सी मोर। कैन यू सी अगेन 10 ऑफ वांड्स। वाओ, अगर आप लोग वाइफ हस्बैंड हो, लाइक आप लोगों की मैरिज हो गई है, और अगर आप लोग किसी वजह से नाराज हो कि घर चले गए हो अपने, या फिर कहीं दूर चले गए हो, ये व्यक्ति अभी मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, भगवान से प्रे कर रहा है कि आप वापस इनकी तरफ आ जाओ, ठीक है, अपना सारा सामान लेके इनके घर पे आ जाओ वापस, वही चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। वर्ल्ड का कार्ड फिर से है, 5 ऑफ वांड, द फूल। सो ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे एक चीज नजर आती है, आपके व्यक्ति को लग रहा है कि आप दूसरों की बातों को सुन के इस रिलेशन के ऊपर में ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो इस व्यक्ति को लग रहा है जैसे अभी आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है, उसका कारण आप दोनों नहीं है, बल्कि उसका कारण है आपने किसी और की बात सुनी, ठीक है, और इस व्यक्ति के साथ अपनी बाउंड्री बना ली, ठीक है, इस व्यक्ति को अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश की या इनसे दूरियां बनाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके आप जैसे पहले थे, वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, हो सकता है आप इस व्यक्ति के ऊपर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, कोई शक नहीं, किसी और की बात सुनना नहीं, ठीक है, बहुत ही एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहते थे इस पर्सन को लेके, बट अभी हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन आपको हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसके पास वापस आ जाओ, ठीक है, आप इसके
साथ वापस आ जाओ या हो सकता है इसके घर पे वापस आ जाओ, बट आप दोनों की जो डिस्टेंस इस टाइम पे क्रिएट हुई है वो डिस्टेंस खत्म हो जल्दी से जल्दी, ऐसा ये व्यक्ति चाहता है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। समवेयर हो सकता है कुछ लोगों ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ब्लॉक कर रखा है, तो वहां पर भी ये पर्सन समवेयर चाहता है कि आप इसको अनब्लॉक करें। ठीक है, आप दोनों की बातें वापस से हो जाए, और इसको ये लग रहा है कि डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन हुई है वहां पर कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व है। ठीक है, किसी और पर्सन की बात आपने सुनी है जो कि कहीं ना कहीं आपको बुरी सजेशन दे रहा है। ठीक है, जो सजेशन, जो एडवाइस आपके लिए सही नहीं है उसको आप मान रहे हो, और इसकी वजह से काफ़ी एक बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है आपकी रिलेशन में। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और ये व्यक्ति एक आपको लेके भगवान से प्रे करने के मूड में है। ठीक है, वो चाह रहा है कि आपके दिमाग के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, आप वापस से इस तरह से पॉजिटिव हो जाओ, इसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के एनर्जीज में दिख रही है आपको लेके। ठीक है, लेट मी सी मोर। प्रीशियस टाइम, नेचर साइन, लाइट। सो ऑप्शन नंबर वन, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कार्ड आया है प्रीशियस टाइम का। ठीक है, इसको लग रहा है जैसे यहां पर आप एक आउल देख पा रहे हो, तो आप इनके बारे में जो सोच रहे हो, मे बी हो सकता है आपको लग रहा है ये पर्सन डिसेप्टिव है, या किसी ने इस पर्सन के बारे में कुछ और बातें आपको बता दी, या फैमिली के बारे में आपके कुछ और बातें बता दी, और हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, या हो सकता है कोई और बात है जिसके चलते आपके दिमाग में इस व्यक्ति को लेके कोई डाउट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो टाइम है, जो जिसको आप लोग सेलिब्रेट कर सकते थे अपने लव को, अपने साथ को, बट वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है जैसे बहुत ही खास समय अपने लाइफ का आप लोग वेस्ट कर रहे हो एक दूसरे पे शक करके, या दूर रह के, या नाराजगी में। ठीक है, एंड समवेयर विद द कार्ड ऑफ नेचर साइन एंड लाइट का कार्ड है, जिसके ऊपर मैसेज है द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन अपने गॉड से प्रे कर रहा है, भगवान से प्रे कर रहा है कि आप दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं, आप दोनों के बीच में जो डार्कनेस क्रिएट हो चुका है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गॉड हेल्प कर सकते हैं, भगवान हेल्प कर सकते हैं, और आपके सिचुएशन में वो पॉजिटिविटी आ सकती है। सो डेफिनेटली ये इसको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे अगर इस व्यक्ति ने आपके प्रति खुद से कुछ किया तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये गॉड से प्रे कर रहा है कि भगवान आप चीज़ों को संभाल लें। ठीक है, विद द कार्ड ऑफ प्रीसियस टाइम, ये व्यक्ति आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहता है बट वो चीजें हो नहीं पा रही है। ठीक है, नाइट ऑफ फायर, सडन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, टाइम, यहाँ पे फिर से टाइम का मैसेज है, टाइम इज ऑफ द एसेंस, यहाँ पे टाइम, थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली। इस व्यक्ति को समय की चिंता है, बहुत ही रेस्टलेस है यहाँ पर। ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट समय इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके वो गवा रहे हो। ओके, इसको लग रहा है कि आप इस समय की कद्र नहीं कर रहे, और ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए। इसको लग रहा है कि आपको वापस से सोचना चाहिए आपके एक्शंस को लेके। ठीक है, समवेयर यहाँ पे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, लाइक इस व्यक्ति को ये चीज़ लग रही है कि टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। लेट मी सी क्या है, क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को। The High Priestess, listen to your intuition, have patience. Okay. Six of Earth, gifts of money, time or effort, new career opportunity, receiving a loan or paying off debt. हो सकता है यहाँ पर आपने, या फिर इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा डिमांड किया है, लाइक हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कमिटमेंट को कहा हो, शादी को कहा हो, या फिर हो सकता है फैमिली को मिलवाने के लिए कहा हो। ठीक है, बट एक पर्सन यहाँ पर रेडी नहीं है, इस वजह से दूसरे को लग रहा है कि समय जा रहा है, अभी अब फैमिली से बात कर लेनी चाहिए थी, या फिर शादी कर लेनी चाहिए थी,
या है दूसरे को कमिट कर देना चाहिए था, ऐसा कुछ है। बट दूसरा व्यक्ति चाहता है समय, ठीक है, उसको चाहिए समय, क्योंकि हो सकता है उसको अपना करियर अच्छा करना है, ठीक है, उसके ऊपर कोई लोन हो सकता है, उसके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर हो सकता है वो पास्ट की मैरिज से निकल रहा है, वो सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप हो सकते हो जो थोड़ा वेट करना चाहते हो रिलेशन में, एंड इसको लग रहा है समय बर्बाद हो रहा है, या तो फिर उल्टा हो सकता है, आप इस व्यक्ति से कमिटमेंट, शादी या एक प्रॉमिस चाहते हो, ठीक है, लाइक ये व्यक्ति आप श्योर होना चाहते हो कि ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा या रहेगी, ठीक है, बट हो सकता है ये व्यक्ति समय चाहता है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि समय बर्बाद हो रहा है आपके रिलेशन का और आपका, ठीक है, वो चीज़ मुझे समझ नज़र आ रही है यहाँ पर। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1, आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है मुझे बताइएगा ज़रूर, और हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है, या फिर आपने ब्लैक ऑब्सीडियन सेलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति को आपने अपने दिमाग में रख के सोचा है और इस रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके कोई भी सजेशन है, रिक्वेस्ट है टॉपिक को लेके, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑप्शन नंबर 2। We have healer of the ages. पहला कार्ड है आपका forgiveness. ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है? इस व्यक्ति को लगता है आप बहुत बड़े दिल के पर्सन हो, ठीक है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप आसानी से माफ कर देते हो, ठीक है, मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है इस व्यक्ति ने, हो सकता है बार बार आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, अपनी एक्शंस से, या जो भी प्रॉमिस किया उसको पूरा नहीं किया, झूठ बोला बहुत बार, ठीक है। तो ये व्यक्ति ऐसा आपको देख रहा है कि इसने इतनी सारी गलतियाँ की है, इतना बार आपको हर्ट किया है चीज़ों को लेके, ठीक है, बट आप जो है वो हमेशा ओपन रहते हो माफ़ करने के लिए, ठीक है, और वापस से अपने लाइफ में लेने के लिए। ये पर्सन हो सकता है आपको बोल के कभी नहीं बताता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने बड़े दिल के इंसान हो, पर आपके बारे में ये फील ज़रूर करता है कि आप, मतलब लोग आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर आपने किसी को एक बार भूल दी तो वो बहुत दिनों तक याद रखता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो ये इंसान आपको देखता है दैट कुछ ना कुछ तो आपके अंदर अलग है, या आपको देखता है दैट बहुत ही प्योर हो, बहुत ही मैच्योर हो आप, ठीक है, और आपका दिल बड़ा है तभी आप दूसरों को माफ़ कर पाते आसानी से, आपके अंदर एक हीलर की क्वालिटी है, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। सो इसको लगता है जैसे आपकी फैमिली से आपने ये चीज़ें सीखी है, अच्छे आपके वैल्यूज़ है, आपको बहुत अच्छी बातें सिखाई गई है, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह देखता है, हीलर की तरह देखता है, जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता है, वो भले ही खुद तकलीफ में है बट वो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता है। कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे ये व्यक्ति परेशान था या इसकी हेल्थ ख़राब थी और आपने कहीं ना कहीं मदद की इसकी, उस वक्त आप भी हो सकता है किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे बट आपने अपनी प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस ना दे के इस व्यक्ति की हेल्प की। ये चीज़ें दूसरों के साथ भी हो सकती है, लाइक आपने किसी और व्यक्ति की मदद की तब जब आप खुद परेशानी में थे। तो ये आपको डेफिनेटली एक हीलर की तरह देखता है और एक ऐसा पर्सन जो आसानी से माफ़ कर देता है, ठीक है, दूसरों के प्रति एक कंपैशन है, एम्पैथी है, समझते हो आप, ठीक है, किसी इंसान को आप लोग तकलीफ में नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपके बारे में ये इंसान फील करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव एनर्जी आई है। लेट मी सी, टैरो कार्ड से देखते हैं। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस यहाँ पे हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 51 एज हो सकती है यहाँ पे आपके या आपके पार्टनर की, और 49 नंबर 13 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, या नंबर 6 मंथ ऑफ जून,
December, Six of Wand. Wow, very nice. Can you see the Empress ka card hai? Like a mother. Five of Pentacles. Nine of Sword. ऑप्शन नंबर टू, मुझे समवेयर यहाँ पे नजर आता है, इस व्यक्ति को लग रहा है आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतना मेहनत करते हो, आप दूसरों की मदद करते हो, आपका नियत, आपकी नियत बहुत अच्छी है, ठीक है, बट फिर भी आप अपने लाइफ में बहुत परेशानियों से गुजर रहे हो, मे बी पैसों की परेशानी से गुजर रहे हो, या आपको हो सकता है बहुत तकलीफ है लाइफ में, ठीक है, लाइक हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स में बहुत प्रॉब्लम रहती है, या डे टू डे लाइफ में आपको बहुत एक मानसिक परेशानी रहती है, लाइक टेंशन में आप बहुत रहते हो, आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो ये पर्सन समझ रहा है जैसे कि आप इतने अच्छे हो, दूसरों की मदद करते हो, आप बहुत मदरली हो, आपको आप इतने टैलेंटेड हो, ठीक है, हर एक चीज़ आपके अंदर परफेक्ट है, बट आप इतने परेशानी से क्यों गुजर रहे हो, ये आपके बारे में एक चिंता है इस व्यक्ति के मन में. ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पर किसी ने अपने बच्चे को खोया है, सॉरी टू से, बट हो सकता है, या फिर फैमिली मेंबर में किसी बच्चे को खोया हो, तो वो यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है. एंड आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपने देखा है, और वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, ये इंसान ऐसा फील करता है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है. तो वो है यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है जैसे आप बहुत परेशानी में रहते हो, और साथ ही साथ समवेयर विद द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ट्स एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स, आप कभी नहीं शेयर करते कि आप परेशानी में हो, आप अपनी तकलीफ को किसी को नहीं बताते हो, उसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी से हेल्प नहीं मांगते हो, ठीक है. समवेयर वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, लाइक आपसे जब भी कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई मदद चाहिए या कुछ एक्सेट्रा, तो आप मना करते हो, ठीक है, जैसे मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से. एंड देन द कार्ड ऑफ हर्मिट इज हियर, आप अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हो, अकेले में ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाने का मतलब है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी परेशानियों के बारे में सोचना, ठीक है, जब आपके आसपास कोई ना रहे तब आप रोते हो, सोचते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस ये पर्सन फील कर पाता है, या फिर इसने कभी आपको देखा है ऐसे सिचुएशन में कि आप लोगों के बीच में बहुत खुश हो, बट जब आप अकेले हो, बहुत शांत हो, टेंशन में हो, चीज़ों को सोच रहे हो, ठीक है, तो ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आती है. लेट मी सी मोर. Ace of Wands, the Devil, Nine of Pentacles. हो सकता है आपने अपने लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले लिया था, ठीक है, जिसके चलते उसके कॉन्सिक्वेंस आपको अभी तक देखने पड़ रहे हैं. मे बी आपने करियर का गलत रास्ता चुन लिया था, या हो सकता है अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशन में चले गए थे जिसने आपको बहुत परेशान किया, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपने कोई गलत चीज़ के बारे में सोचा, या किसी चीज़ को सेलेक्ट किया, चूज़ किया, किसी के बारे में डिसीजन बनाया, और उस एक गलत चॉइस ने आपके लाइफ को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट किया है, जिसके कॉन्सिक्वेंस, जिसके परिणाम आप लोग अभी तक देखते हो, ठीक है. मे बी कहीं बिजनेस में आपने लॉस देखा है, कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम देखी है, ठीक है, या फिर आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाए हो, स्ट्रगल कर रहे हो अभी, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के दिमाग में आपके बारे में चल रही है. Three of Pentacles, Ten of Cups, wow, Hierophant, wow. So ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहता है. If you can see, या तीन कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, Three of Pentacles, Ten of Cups and the Hierophant. यहाँ पर एक स्ट्रांग चांसेस है ये व्यक्ति आपकी बहुत केयर करता है, समवेयर आपको अपने फैमिली मेंबर की जैसा देखता है, और चाहता है समवेयर आपके साथ एक अच्छी फैमिली मैरिज, ठीक है, द हायरोफंट, बट ये आपके परमिशन से ये चाहता है. इस टाइम पे आपके लाइफ में जो भी हो उससे आप खुश रहो, आपके अंदर वो हैप्पीनेस रहे, बिकॉज यू डिजर्व दैट. इसको लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, आप डिजर्व करते हो खुश रहना, एक अच्छी फैमिली और खुशी.
बट आपको वो चीज़ें अभी नहीं मिली है एंड इसको लगता है कि ये व्यक्ति आपको वो चीज़ें दे सकता है, वो खुशियाँ दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशंस नज़र आ रही है। Eight of Cups, Page of Pentacles, King of Wands. इस ऑप्शन को देख के मुझे लग रहा है जैसे आपके लाइफ में कुछ आपने खोया है और फिर आप उठ के चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और करेंटली हो सकता है आप लोग एक स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हो एंड ये पर्सन वहाँ पर आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहना चाहता है, आपका एक प्रोटेक्टर बन के रहना चाहता है। यहाँ पर समवेयर इस पर्सन के दिमाग में है लाइक मैरिज और आपके साथ रहना लाइफ टाइम तक और आपको खुश रखना। यहाँ बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये व्यक्ति चाहता है आप इसके फैमिली में आओ, आप इसके साथ शादी करो, एक फैमिली हो आप दोनों की जहाँ पर आप लोग बिल्कुल शांति के साथ हो, ठीक है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। लेट मी सी मोर क्या सोचता है ऑप्शन नंबर टू का पर्सन। ऑप्शन नंबर टू के लिए गो आउटसाइड एंड स्टार गेजिंग। ओके, When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. And go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि आपने अपने आप को बंद कर लिया है, ठीक है। बंद करने का मतलब ये नहीं कि कमरे में बंद कर लिया है, इमोशनली अपने आप को बंद कर लिया है, ठीक है। दूसरों के साथ बात नहीं करते हो अपने बारे में, दूसरों से बात भी करते हो तो उनके बारे में बात करते हो और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, ठीक है। बट ये इंसान चाहता है कि आप कहीं बाहर जाएं, अपने आप को इस तरीके से जो आपने बंद कर रखा है आप उससे बाहर निकले, अपने केज से बाहर निकले और लाइफ को इंजॉय करना शुरू करें। एटलीस्ट अपने लाइफ में पॉजिटिविटी देखना शुरू करो, ठीक है। मतलब आप ये आपके मन में भावना आ जाए कि आपके लाइफ में आगे कुछ अच्छा हो सकता है। वेट फॉर विंटर का कार्ड है तो हो सकता है विंटर सीजन जब आने वाला होगा तो आप इस पर्सन की तरफ से कोई इम्पॉर्टेंट एक्शन देख सकते हो। ये आपको कहना चाहते हैं लाइक वेट फॉर विंटर। व्हाट एल्स वी नीड टू नो। Nine of Water, your wishes come true, concerns fade away, a love of life. Wow. Queen of Fire, stretch your wings and fly. ये person चाहता है आप खुश रहें, आप independent feel करें, आप वो freedom का एहसास कर सके। Don't underestimate yourself. ये आपको कहना चाहता है that don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. ये चाहता है कि आपकी सारी wishes पूरी हो, आप जो भी करना चाहते हो वो सारी विशेज आपकी पूरी हो एंड आपकी जो भी लाइफ में टेंशन है वो चली जाए। बिकॉज हो सकता है ये व्यक्ति आपकी बहुत केयर करता है, ये व्यक्ति अपना लाइफ आपके साथ देखता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चाहता है आप बिल्कुल खुश रहें, आज़ाद फील करें। यस, फियर सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे फिर से मैसेज आ रहा है लाइक द विजडम टू हेल्प, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि आप दूसरों से हेल्प को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आप पैसों को लेके काफ़ी टेंशन में हो, कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या फिर आपने खुद का कोई काम शुरू किया तो वहाँ पर कोई टेंशन है। ये व्यक्ति चाहता है आप हेल्प ले और आप उस मुसीबत से बाहर निकले। वी हैव द कार्ड ऑफ यूनिटी, ये हायरोफंट का कार्ड है जो कि दूसरी बार आया है, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 5 यहाँ पर भी है, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 5, ठीक है। हायरोफंट यूनिटी, ये व्यक्ति जब भी मुझे यहाँ पर आ रहा है तो ये आपकी काउंसलिंग करना चाहता है, ठीक है, ये आपको समझाना चाहता है, ये आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है, आपकी हेल्प करना चाहता है और कुछ केसेस में यहाँ पर मैरिज की बात भी दिख रही है मुझे, ठीक है। लाइक ये पर्सन आपके साथ इन फ्यूचर में भी आने वाले विंटर सीजन में आपको अपनी इंटेंशन वो बता सकता है,
लाइक वो आपके साथ शादी करना चाहता है या कोई और इम्पोर्टेंट एक्शन आप इस व्यक्ति की तरफ से देख सकते हो विंटर सीजन में, कमिंग विंटर. ओके, किंग ऑफ अर्थ. ओके, वी हैव अ सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड द मिडास टच. ओके यस, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो आपको ऑफर करने वाला है. ठीक है, यहाँ पर है कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड. ये व्यक्ति आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करेगा जिससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये आपसे चाहता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करें. मे बी ये काम में हो सकता है, काम में आपकी कोई हेल्प कर सकता है. फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी ये मैरिज के लिए भी हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. सो दिस इज योर रीडिंग. आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है. हम लोग दूसरे रीडिंग में मिलने वाले हैं. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.